अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर कोमल अहमद व्लॉग्स। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सारे? कैसे जा रहा है रमजान? हाँ जी अच्छा यार, दिखाती हूँ, चलो दिखाओ। ये मेरा छूटा है, दो तो खोल के दिखाओ ना सारा। आप भी पूछो, शाम करो आप भी, चलो आप भी सलाम करो। फातिमा अच्छा यार, ये तो सलाम नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, दिखाती हूँ अभी, रुक जाओ। काफी दिनों के बाद मैंने कहा चलो सोच के आज हम लोग जा रहे थे इफ्तारी पे, रमजान का एंड भी होने वाला है। नुस्ती छाई रही है यार, सारा रमजान व्लॉग नहीं बनाया मैंने, कामों में बिजी रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं आप सबके लिए। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती सब ठीक होंगे। रमजान अच्छा जा रहा है ना? तो जी फातिमा का आ गया है नया सूट, मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा जाने लगे हैं सूट शूट, कोई नहीं नया, तीन सूट थे इसके, ये नाराज हो के ना तो इतना वीक हो गया, कोई पूरा ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये छोटे साइज के मंगवाए थे, अभी अभी पार्सल रिसीव हुआ है, और ये इधर लगा हुआ है खेलने। मुराद साहब आओ इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, ये देखें, एक ये इसका मंगवाया है, एक ये मंगवाया है, एक ये मंगवाया है, ये देखो दो, ये देखो इतने बुछाई फूई भी है। क्या ये देखो बुछाई फूई भी, ऊंची बोलो, बुछाई फूई भी है। सलाम तो करो सबको, सलाम तो करो सबको। अच्छा वालेकुम। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ आ रही थी, त्यार शीशा मारा कितना गंदा हुआ हुआ यार, चलो शीशे में बाद में मिलते हैं। मैं यहाँ आ रही थी त्यार, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं छोटा सा व्लॉग, तो चलो सेट मेट होकर फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। चलो गाइस तैयारी करते हैं, 4 बज गए अहमद को उठाते उठाते, अरे तो मैंने कहा कि चलो मैं अब आप शावर लो और मैं जल्दी से आपके कपड़े ब्रश करके देती हूँ और चलते हैं फिर। अच्छा कब का रमज़ान है ना, जब का स्टार्ट हुआ, मैं गई नहीं अम्मी की तरफ, इसी इंतज़ार में कि चाचू का मकान बना था, उन्होंने दावत करनी है नए मकान की, तो फिर एक दफ़ा ही जाऊँगी। वो इंतज़ार करते 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 कुछ घर की मसरूफियात, सारा टाइम ऐसी, सारा रमज़ान नहीं गई मैं कहीं भी। हाँ जिस दिन का रमज़ान है ना आज निकलने लग गया, तो ये अहमद के कपड़े प्रेस कर लें पहले, फिर अपने करते हैं और फिर चलते हैं। ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए अहमद के, ये मेरे, अच्छा ये फातिमा के हो गए, वो मुराद के हो गए, पहनते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं, हम चलते हैं, ना शुरू जुआवा होना है, फिर इधर अच्छा है, इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं ना, टाइम भी है ना, तो अच्छा खासा रश होना है, अब निकल पड़े हैं, अब देखते हैं टाइम से पहुँचते हैं कि नहीं। कोशिश पड़ेगी इसी के टाइम से निकलें, पर नॉट पॉसिबल। ये देखो, हेलो बोलो, हेलो अहमद की ना एक खसूसी चीज़ घर रह गई थी, वो लेने चल पड़े हैं। सॉरी यार निकल तो पड़े हैं, रश इतना खास नहीं है, लोग निकल पड़े हैं जनाब, रश। लो जी आलम चौक से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे रश होता है इस रोड पे, यहाँ आगे माम साहब थोड़ा सा टकरेगा ना। हेलो व्लॉग बन रहा है अहमद मेरा भी, आज महीने बाद इसको नींद आई हुई है, फुल टोन हुआ हुआ है। अच्छा यार हम लोग निकल तो पड़े हैं, अब देखो टाइम से पहुंचते हैं कि नहीं, उम्मीद है पहुंच जाएंगे, अभी तकरीबन ना 5:15 हुए हैं, तो कितनी प्यारी धूप लगी हुई है आज, मैंने गर्मियों की प्यारी धूप देखी है। मैं महीने बाद तकरीबन है, मन कितने दिनों बाद लेके जा रहे हो, पता नहीं, इतना करीब ससुराल और फिर भी बंदा ऐसे करे। ये बाजार आ रहा है, वो क्या कहते हैं सरदार बेगम वाला, बाजारों में आजकल जनाब रश 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 रश। ये चेक करें, इसको कहते हैं रश रश, रश में फंस गए हम, रश में गाइस, और ये सब हुआ है बस अहमद की वजह से। बताऊं फिर क्या किया है,
कटिंग चेक कर रहे हो? बस इतना ही बहुत है। मारो, हमको मारो। लो जी 16 मिनट का फासला तय करके हम पहुंच गए हैं अब माम साहब। बाबा जी माम साहब आगे भी रोड साफ ही है यार, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे है ना अहमद? तकरीबन 5:30 तक पहुंचेंगे, क्या ख्याल है? अभी ATM पर खड़े होना है अपने एक। अच्छा जब भी घर से निकलते हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ATM। एक बैंक का नया मैंने कहना चल रहा है यार अगे जाने हैं, दूसरा आना है चल यार देते भी राशि अगले दे, फिर ऐसे करते करते ना हम लोग एंड पे जब पहुंच जाते हैं यार बैंक कोई नहीं आ रहा, बैंक कोई नहीं आ रहा, ये हिसाब होता है हर दफ़ा। अब इधर से कुछ नहीं खड़े हो जाना, जोन से भी बैंक आता खड़े हो जाना बस। ये हमारी सियालकोट की गुलाम रसूल स्ट्रीट। लो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, पुल शुल क्रॉस कर लिए। जब मैके की रोड आती है ना दिल तभी खुश हो जाता है, पाए 10 साल होन शादी में, पाए 15 साल होन, खुशी अलग होती है। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या हुआ है, मेरे बेटे को भूख भी लग गई है। चलो मैं आपको यहाँ तो अम्मी के घर के करीब नर्सरी ओपन हो गई है। सनसेट चेक करो क्या बात है। वैसे जो भी है हल्का फुल्का ही गाँव रह गया, वैसे गाँव की अपनी रौनक है, गाँव की क्या अम्मी के घर की अपनी रौनक है। अल्लाह ताला सबके सब लड़कियों के मेकों को कायम रखे, दुआएं निकलती हैं इस रोड पे आके। तीनों की मसले आए हैं, चलो सारे कॉल करें आ जाओ। साढ़ा सारा खानदान इकट्ठा होया गाइस, बड़ा मज़ा आने वाला है। मेरी दोस्त है उसका आज निकाह भी था, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा खानदान ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्त को बाद में दावत शावत करके सुलह कर लेंगे। चलो पहुँचते हैं, वीडियो शीडियो में तो कोई आते नहीं है तो बंदा क्या करे, सब के लिए कोई 2-3 दर्जने मास्क खरीद ले, सबको लगवा दे और लाइन से सारे वीडियो ले। Five hours later. क्यों नहीं मिली? झूठे मम्मा के हाथ के पराठे खाएगा आज तो, आज तो ना रात को खा पी के तो सहरी की उधर, फिर पहले अफतारी की फिर सहरी की, फिर हम लोग सुबह घर आ गए थे। तो कल का व्लॉग पड़ा हुआ था इधर ही, मैंने कहा बैंड करते हैं व्लॉग को। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।